नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं सृष्टि। फतेहाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नकली पासपोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक या दो लोग नहीं बल्कि कुल 58 लोगों ने अपना नकली एड्रेस प्रूफ देकर पासपोर्ट बनवाया है। हालांकि पुलिस 58 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपकी रिपोर्ट देखिए। फतेहाबाद के टोहाना इलाके में फर्जी पासपोर्ट बनाए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस ने दोबारा वेरिफिकेशन करवाने पर 58 लोगों के पासपोर्ट फर्जी पते पर बनवाए जाने का खुलासा किया है। पुलिस के सुरक्षा प्रभारी फतेहाबाद की शिकायत पर 58 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में आईपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस एसआईटी द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। टोहाना के डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि पिछले साल ऐसे कई मामले सामने आए थे जिनमें फर्जी पासपोर्ट बनवाए गए थे, जिसमें मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है और अब पिछले कुछ सालों में बने काफी दूसरे पासपोर्टों की दोबारा वेरिफिकेशन का कार्य किया गया तो सामने आया कि 3-4 दर्जन लोगों ने अपने पासपोर्ट फर्जी एड्रेस प्रूफ देकर बनवाए हैं। अभी जो है वो कुछ पासपोर्ट इसी प्रकार के पाए गए हैं जिनकी हमने वेरिफिकेशन द्वारा से कराई गई, तो वो पिछले सालों के कुछ पासपोर्ट जो है वो फर्जी पाए गए हैं, जिनके संबंध में थाना शहर टोहाना में अभियोग अंकित किया गया है और एसआईटी द्वारा उसका अनुसंधान जो है वो किया जा रहा है। देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन 3-4 दर्जन के लगभग ये ऐसे पाए गए हैं जो रीवेरिफिकेशन में, और जो ये आदमी हैं यहाँ के रहने वाले नहीं पाए गए हैं, ये बाहर के हैं। बाकी आगे अनुसंधान जो है इस मामले में वो जारी है। उन्होंने बताया कि ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो बाहर के रहने वाले हैं और पासपोर्ट यहाँ के एड्रेस पर बनवाए गए हैं। पुलिस ने 58 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि एसआईटी द्वारा मामले की पूरी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।